जय श्री राधे राधे दोस्तों, आज मैं आप लोगों को लेकर आया हूँ छोटे रजरप्पा छिन्न मस्तिका के दरबार में। और वहाँ का वही जो नदी का जो वाटरफॉल है मैं दिखाने की कोशिश करूँगा। देखिए कितना खूबसूरत नज़ारा है यहाँ का। अभी नदी में बाढ़ नहीं आया है, कम पानी है, कितना सुंदर दिखने लग रहा है एकदम। मैं आपको चारों तरफ का नज़ारा दिखाऊँगा नदी में। देखिए कितना अच्छा वाटरफॉल लगता है। आपके पानी का आवाज़ भी जा रहा है, इससे कितना अच्छा दिख रहा है, कितना खूबसूरत नज़ारा है। कितना सुहावना नज़ारा है। सीन देखकर आपका मन करेगा कि एक बार खींचे चले आएंगे। कितना खूबसूरत नज़ारा है यहाँ का। सुबह का मैं इसी दृश्य दिखा रहा हूँ आपको। अभी 7 बजे हैं, 7:30। और मंदिर में तो भीड़ इतना है कि पूछिए मत। हम लोग सुबह मॉर्निंग में ही 5 बजे को सुबह करके निकल चुके थे, उस समय कम भीड़ था। अभी तो इतनी लंबी लंबी कतार लगी हुई है कि पूछिए मत, कम से कम 12 बज जाएगा उन लोगों को पूजा करते हुए, तब मंदिर से बाहर आएंगे। अभी हम लोग फ्री थे तो तब तक सोचे से घूमते हैं। कभी आप लोग सुबह नदी का सीन दिखा रहा हूँ। बगल में देखिए जो रोड है, आया जाता है, वो रोड है, पुल दिख रहा नदी में। और इस तरफ देखिए जंगल चीजें नदी है। और इधर जिधर हम लोग स्नान करते हैं वो दृश्य इधर है। देखिए इस तरफ से पानी आता है, कितना अच्छा लग रहा है पानी का मनमोहक दृश्य। चलिए मैं पानी का आपको आवाज़ सुनाता हूँ। देखिए कितना खूबसूरत आवाज़ है, वाह, कितना गजब का सीन है। ऐसा सीन नहीं देखा होगा आपने। पानी का आवाज़ सुन पा रहे होंगे आप। और पानी में काफ़ी तेज बहाव है, सिर्फ नदी में हेलने का कोशिश ना करें, फिसलन भी काफ़ी है, फिसल सकते हैं। देखिए इतना मनमोहक दृश्य है ना, दिल खुश हो जाएगा। कहीं पे कीचड़ नाम का चीज़ नहीं है, हर जगह पत्थर स्पष्ट रूप से दिखाई दे रहा है और एकदम क्लीन पानी है। मानो जैसा मिनरल वाटर हो, एकदम पीने लायक पानी, उस तरह से एकदम शुद्ध पानी है। देखिए चारों तरफ जिधर चाहेंगे उधर नहा सकते हैं। इतना पहाड़ निकला हुआ है कि कहीं भी आप नहा सकते हैं, स्नान कर सकते हैं पत्थर पर बैठ के। ठीक है, मैं पानी के अंदर नदी में घूम रहा हूँ, पहाड़ पे खड़ा हूँ। देखिए कितना खूबसूरत दृश्य है, वाह। और यहाँ तो जानते ही हैं लोग माता का प्रसाद क्या है, तो वही लोग जैसे भीड़ काफ़ी लगा हुआ है नदी में ही लोग लाकर अब बनाते हैं। पहले तो नदी में नहीं एंट्री करते थे, अब देखिए नदी में ही आकर सभी लोग मना रहे हैं। देखिए पूजा अर्चना करने के बाद माँ का प्रसाद यही बनाते हैं और खाते हैं लोग और इंजॉय करते हैं, घर जाते हैं। तो कभी वक्त मिले तो ज़रूर आइए और इस वाटरफॉल का आनंद लीजिए। देखिए इतना खूबसूरत दृश्य है, गाँव पे कभी पानी हो नहीं रहा, यहाँ आकर पानी देखकर दिल खुश हो गया। नहीं तो मानो साल भर से तो पानी देखने के लिए नहीं मिला था, नदी तालाब कहीं भी। बारिश भी नहीं हो रहा, इतना गांव में गर्मी है पूछे मत। यहाँ आकर लगा कुछ के मतलब ठंडा मौसम लगा, पानी देखकर भी दिल ठंडा हो गया। इतना क्लीन पानी है, देखिए मैं और करीब से दिखाता हूँ। आप जहाँ तक कि पानी का आवाज़ सुन पा रहे होंगे,
इतना क्लीन से मैं आपको दिखाने का कष्ट कर रहा था। देखे चारों तरफ हरा भरा है, एकदम बाकी भरा है। देखिए कितना सुंदर दृश्य, एकदम हरा भरा लग रहा था। नदी का चारों तरफ का मैं दृश्य आप लोगों को दिखा रहा हूँ। तो दोस्तों, अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, वीडियो को लाइक करेंगे, कमेंट करेंगे और शेयर करेंगे दोस्तों, क्योंकि आपका सपोर्ट से ही मैं आगे बढ़ सकता हूँ। मुझे भी आप लोगों का सपोर्ट का जरूरत है। मेरा चैनल का नाम है RR स्टूडियो ब्लॉग टूर। दोस्तों, मुझे आप लोगों को कमेंट का इंतज़ार रहेगा, और वीडियो अच्छा लगे तो ऐसे कमेंट कीजिएगा, मैं ऐसे ऐसे वीडियो और दिखाता रहूँगा आप लोगों के लिए, लेकर आऊँगा। तब तक के लिए जय माँ श्री मस्तिष्क।